स्पीड चार्जिंग की पिछले क्लास में बताया था, तो दो तीन नए भी हैं तो फिर से उसको बताते हैं। चार्जिंग की बेसिक फिलॉसफी क्लियर है, चार्जिंग कैसे होती है? नहीं तो सर ने जो बताया मेरे बताया अलग चीज़ थोड़ी बता देंगे, बताएंगे तो वही चीज़ ना, चार्जिंग तो वैसे ही होगी उनके बताने में, चार्जिंग अलग तो नहीं होगी। हाँ तो कैसे चार्जिंग होती बताइए, चार्जिंग कैसे होती बताइए, जो सर ने बताया वही बताइए। चार्जिंग के लिए सर पहले एसी लाना अपना जरूरी है। हाँ ठीक है, उसके लिए हम पहले एसी ओके तक देखें कि सारी वोल्टेज आ गई है नहीं है। उसके बाद जो सर ने बताया था कि आईएल आईएम देखता है। नहीं चार्जिंग ऐसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, चार्जिंग फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टार्ट कैसे होगा। वो तो चार्जिंग ऐसी अब बता रहे हैं, आईएलएम आएगा, एसी ओके आएगा, एसी आएगा, चार्जिंग फिलॉसफी सारा कंपोनेंट कैसे कम्युनिकेट करेगा तब चार्जिंग शुरू होगी। सारा कंपोनेंट कम्युनिकेट करेगा तब तो चार्जिंग शुरू होगी ना। हाँ वो पूछ रहे हैं। पावर गुड। हाँ ठीक है, पावर गुड मतलब क्या, एसी इन आना चाहिए, मतलब जो डीसी सेक्शन है हमारा। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा, डीसी इन आएगा। ठीक है, ये डीसी इन कहाँ कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो आपका जाएगा। ठीक है, फिर और उसके बाद आयो पे पहले चला जाएगा। आयो पे पहले आयो पे चला जाएगा, पहले आयो पे कैसे जाएगा? 19 वोल्ट पहले से 3-5 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाएगा अपना सीधा चार्जिंग पे। ठीक है, फिर और उसके बाद जो 3 वोल्ट निकलेंगे वो सीधा आयो पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना नहीं आप पावर सीक्वेंस बताने लगे, पावर सीक्वेंस नहीं पूछ रहे हम, चार्जिंग का फिलॉसफी पूछ रहे हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। हाँ ठीक है, नहीं पूछ लिया ना, फिर आपको बैकग्राउंड पता चल गया ना कि आप कैसे बताना है हमको। ठीक है, हाँ फीडबैक फीडबैक वेरी गुड। ठीक है, तो पहले तो हमारा अडेप्टर लग गया यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तीन सेक्शन है। चार्जिंग आईसी, स्विचिंग मॉस्फेट और ब्लॉकिंग मॉस्फेट, जो आपकी डीसी इन सप्लाई को डीसी बैट में चेंज करता है ना। ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसकी स्विचिंग होनी चाहिए। अब ये स्विचिंग, तो इसकी स्विचिंग जो है वो कोई भी करा सकता है। कौन कौन कराएगा, या तो चार्जिंग आईसी इसकी स्विचिंग कराएगा। ठीक है, या जो जैसा उन्होंने बताया भी आपको कि आईओ इसकी स्विचिंग कराएगा। ठीक है, ठीक है, तो या तो आईओ इसकी स्विचिंग कराएगा, या चार्जिंग आईसी इसकी स्विचिंग कराएगा, या डीसी इन के थ्रू ही इसकी स्विचिंग होगी। ठीक है, तीन केसेस है स्विचिंग होने की। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, या तो यहाँ पर पी मॉस एन मॉस होगा, या दोनों ही पी होगा, या दोनों ही एन होगा, या डायोड भी हो सकता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, डीसी इन सेक्शन में एक्सक्लूसिव वहाँ पर पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं सर भी पढ़ाते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है स्विचिंग का। तो लॉजिक अलग अलग हो सकता है, सबकी लॉजिक अलग होती है। ठीक है, कोई डायोड से स्विचिंग करा रहा है, इजी स्विचिंग होगी वो, तो दो डायोड ऐसे लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, डुअल डायोड लगा दिया उसने, और एक यहाँ से बाईपास करके सप्लाई को आगे बढ़ा दी, तो ये हो गया स्विचिंग डायोड, ये हो गया ब्लॉकिंग डायोड। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो हम बेसिक फिलॉसफी समझेंगे अभी कि चार्जिंग आईसी की बेसिक फिलॉसफी क्या है। डीसी इन सेक्शन से सप्लाई आ गई 19 वोल्ट। ठीक है, ये अब यहाँ पर आ चुकी है। अब चार्जिंग आईसी क्या चेक करेगी इसको कि डीसी इन जो है, कंट्रोलर आईसी भी करा इसमें। हाँ हाँ, कंट्रोलर कराती है स्विचिंग उसकी, एसी ओके की 99% तो 90% तो चार्जिंग आईसी करती है सर। अलग अलग के अभी हम आपको दिखा देंगे। अब बीकी 24745 की जो स्विचिंग है वहाँ एसी ओके से स्विचिंग होती है, कहीं कहीं एसी इन से स्विचिंग होती है, कहीं कहीं वो स्विच वोल्टेज को चेंज कर देता है किसी और में, फिर वहाँ स्विचिंग होती है। तो स्विचिंग का कोई फिक्स रूल नहीं है कि आयो ही कराएगी या चार्जिंग आईसी ही कराएगी, हर केस में अलग अलग हो सकता है, हर बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी करा दे स्विचिंग इसको, या चार्जिंग आईसी के थ्रू जाएगी आयो पे, आयो फिर डिटेक्ट करेगा, फिर वो आएगी यहाँ पे इसको स्विच कराने के। हाँ डायग्राम देख के वो अलग अलग केसेस होता है, तो हम बता रहे हैं वो क्या क्या केसेस पॉसिबल है ना, कि यहाँ से भी स्विचिंग हो सकती है, वहाँ से भी स्विचिंग हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप ये देखें तो फिर आपको लगे नहीं ये नया है, ये तो बताया ही नहीं था, तो पॉसिबिलिटी सारा बता रहे हैं, है ना। ठीक है, 90% हो सकता है जो आप बोल रहे हैं वो केस हो, पर 10% वो भी केस होगा, तो वो 10% ही आपके पास आएगा, क्योंकि 90% तो सब कर लेंगे, 10% ही फंसेगा जो आपके पास आएगा। तो वो 10% का हमें पता होना चाहिए कि क्या नई चीज़ है, नई चीज़ पता होगी तभी आप एक्सक्लूसिव होंगे सबसे, है ना। ठीक है, तो डीसी यहाँ पहुँच गया, इसकी स्विचिंग अभी कैसे होगी चार्जिंग आईसी से, वो डीसी इन सेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। अभी चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, हेडिंग क्या है हमारा, चार्जिंग सेक्शन।
तो हम लोग अभी सिर्फ चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे, फिलॉसफी समझ रहे हैं क्या है इसकी। अब ये पार हो गया यहाँ से DCIN 19 वोल्ट, यहाँ इसकी स्विचिंग ये कराएगा। अब ये स्विचिंग कब कराएगा, जब इसे पता होगा कि जो हमारा 19 वोल्ट है वो वैलिड है या नहीं है। जो आप AC डिटेक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं आप कि जो 19 वोल्ट हमारे सप्लाई आई थी वो वैलिड सप्लाई है या नहीं है, ये दो पॉइंट ही था ना, ये वैलिड सप्लाई है या नहीं है ये चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से वो चेक करेगा, उसके बाद इसकी स्विचिंग कराएगा, ठीक है। जब ये स्विच हो जाएगा तो हमारी 19 वोल्ट यहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपका दो MOSFET लगा हुआ है, हाई MOS और लो MOS, ठीक है। यहाँ से PWM स्विचिंग होती है, और इसके बाद बैटरी हमारा चार्ज होता है, ठीक है। समझ में आई फिलॉसफी क्या है। अब जब बैटरी चार्ज होने लगेगा तो यहाँ से फीडबैक चार्जिंग आईसी लेगा, ठीक है। क्या फीडबैक लेगा कि कितनी बैटरी चार्ज है पहले से मेरे पास, या अब कितनी चार्जिंग हो रही है, ये सारा मॉनिटर करता रहेगा। क्योंकि इसको पता थोड़ी है, ये तो इंसान नहीं कि देख रहा है कि बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं चार्ज हो रहा, इसका उसको सिग्नल आना चाहिए, तब पता होगा इसे कि कितनी बैटरी चार्ज हुई हमारी। तो ये फीडबैक सिग्नल है जो कि हमारा इससे कम्युनिकेट करता है। अब ये जो है कम्युनिकेशन करता है किससे, आयो के थ्रू, SM बस, इसमें क्लॉक भी आता है और डेटा भी आता है, SM क्लॉक और SM डेटा, ये जो कम्युनिकेट करता है यहाँ से फिर आयो से, ठीक है। आयो को भी पता होना चाहिए कि भाई कितनी बैटरी चार्ज हुई है हमारी, और ये बैटरी से भी कम्युनिकेट करता है आयो कि कितनी कम्युनिकेशन चार्ज कितनी हुई है, वो पता चले आयो को बैटरी का चार्जिंग, ठीक है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है चार्जिंग की, कैसे चार्ज होगा। 19 वोल्ट सप्लाई आएगी, ये स्विच होके बोर्ड के अंदर जाएगी, वो बोर्ड अब चार्जिंग आईसी पहले डिटेक्ट करेगा वो वैलिड इनपुट है या नहीं है। अगर वो वैलिड इनपुट होगा तो चार्जिंग आईसी PWM स्विचिंग के थ्रू हाई लो को स्विच कराएगा और बैटरी को चार्ज करेगा। फिर चार्जिंग आईसी को पता होना चाहिए फीडबैक के थ्रू कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज हुई है। अब इस कितनी बैटरी चार्ज हुई है उसके हिसाब से हमें कितना करंट अलाउ करना है यहाँ से, वो चार्जिंग आईसी डिसाइड करता है, ठीक है। चार्जिंग के लिए करंट चाहिए हमको, अब वो कितना करंट जाएगा उसके थ्रू वो चार्जिंग ऐसे डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, ये फीडबैक के थ्रू। अब वो कितनी स्विचिंग करानी है वो कहाँ से डिसाइड होगी, PWM स्विचिंग के थ्रू। क्लियर हो गया फिलॉसफी कैसे काम कर रहा है चार्जिंग ऐसी। क्या, अरे यही तो पता चलेगा ना, अगर ये काम करेगा तो ये करंट, इसकी चार्जिंग बढ़ रही होगी। अगर ये काम कर रहा होगा मतलब क्या है, करंट यहाँ से फ्लो होकर इसमें जा रहा होगा तो बैटरी चार्ज हो रही होगी। अब इसे कैसे पता आप पूछ रहे हैं कि चार्ज हुई कि नहीं हुई, वही तो फीडबैक ही ले रहा है यहाँ से, है ना। कहीं हम फीडबैक ना हो सर, नहीं हो तो इसको पता ही नहीं कि चार्जिंग कैसे होगी, फिर हो ही नहीं सकता कि फीडबैक ना हो। जैसे कभी जो प्लग इन नॉट चार्जिंग आता है, हाँ, तो ये हाई या लो MOSFET की दिक्कत होगी ना चार्जिंग, नहीं कहीं भी दिक्कत हो सकती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, वो कहीं भी दिक्कत हो सकती है। प्लग इन तो यही कर दिया आपने, अब चार्जिंग नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर कहीं भी दिक्कत हो सकती है, है ना। प्लग इन नॉट चार्जिंग को एक पर्टिकुलर केस नहीं कि यही दिक्कत होगी, वो नहीं कह सकता आप, वो फीडबैक में दिक्कत हो सकती है, यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, स्विचिंग MOSFET में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो सेंटेंस ही बोल रहा है क्या, प्लग इन बट नॉट चार्जिंग, वो बैटरी में भी दिक्कत हो सकती है, बैटरी में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल 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 एकदम हो सकती है। हाँ वही, हाँ वही अभी हम पढ़ेंगे क्या कि हम, अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि सेक्शनलाइज कैसे करेंगे हम कि किस ये फॉल्ट किससे रिलेटेड है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें पता चल गया जैसे आपने बोला प्लग इन नॉट चार्जिंग, तो ये हम सेक्शनलाइज नहीं कर सकते किससे दिक्कत है, पर हम इसको अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको उसकी ट्रबल शूटिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि सेक्शनलाइज कैसे करना है कि भाई यही दिक्कत होगी, ये कैसे करना है, ये तब को पता होगा आपको जब इसकी सारे पिन की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, है ना। क्योंकि अब इसको चेक करेंगे आप, क्योंकि सारे का कंट्रोलिंग तो इसके पास है। आपने बोला प्लग इन नॉट चार्जिंग, यहाँ से इनपुट आ गया है पर ये चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं एक आउटपुट मिसिंग है, या एक कंपोनेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर इसकी आउटपुट आ रही है तो इसके कंपोनेंट में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। फिलॉसफी क्लियर है ना, ठीक है। तो अब हम वही, अब यहाँ इसलिए हम फिलॉसफी में इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको ताकि आपको क्लियर हो बेसिक कॉन्सेप्ट कि काम क्या करता है ये। अब इसकी वर्किंग जब पढ़ेंगे तो हर एक पिन के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इस पिन से अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर दिक्कत होगी फिर ये, ठीक है। अब हम पिन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिन्स में देखिए, पहला पिन जो है आपका, पहला पिन नहीं है वैसे, 20 नंबर पिन है, पर स्टार्ट किया हमने देखिए मतलब बेसिक चार्जिंग आईसी को समझने के लिए इसको बांट दिया मैंने, डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया पार्ट्स में, तो जब ये
19 वोल्ट सप्लाई आ रही है, पहले 19 वोल्ट को डिटेक्ट करना है इसे। देखिए इस दोनों को ध्यान रखना है आपको, जो मैंने यहाँ फिलॉसफी बताई है उसी का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। तो डीसी इन सेक्शन जो आ रहा था वो पहले चार्जिंग आईसी डिटेक्ट कर रहा था उसको। तो डिटेक्शन का दो चीज़ है, दो इनपुट है डिटेक्ट करने के लिए, एक तो वीसीसी सप्लाई है, ठीक है। वीसीसी सप्लाई कितनी है चाहिए हमें, 3.75 वोल्ट से ज़्यादा। ये क्या है बताया ही था आपको, कंपैरेटर है। कंपैरेटर कैसे बताते हैं कंपैरेटर है या नहीं है, क्या सिंह साहब कंपैरेटर कैसे बोलेंगे आप, कैसे बोलते आपने कंपैरेटर है, ये तो ओपैम्प है। इन्वर्टर नहीं लगा, भूल गए हैं, फीडबैक नहीं है, बस यही पॉइंट थी। फीडबैक अगर नहीं है तो क्या है वो, कंपैरेटर है। आउटपुट से फीडबैक होता है ना, अभी यहाँ आउटपुट से इनपुट का कनेक्शन वो फीडबैक है। अभी हम जो भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब हम आपसे फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो मेरी आउटपुट थी, आपकी तरफ से इनपुट आएगा मेरे पास, तो फीडबैक दे रहे ना हमको, फीडबैक यही होता है ना, जो आउटपुट दिया, हाँ क्लास लेने के बाद ही निकलेगा। तो जब ये आउटपुट होगा तभी तो इसके पास इनपुट आएगा, तभी तो फीडबैक कहलाएगा वो, है ना। तो अभी इसके पास कोई फीडबैक है, कोई फीडबैक, फीडबैक का मतलब आउटपुट से इनपुट का कनेक्शन नहीं है। जब फीडबैक नहीं है ओपैम्प में तो वो क्या होता है, कंपैरेटर, है ना, कंपैरेटर होता है। कंपैरेटर क्या करता है, ठीक है, तो आउटपुट क्या देगा वो, आउटपुट देगा सर जो उसके लिए।